राम राम साहब, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। मौसम भी बहुत ख़राब है, ये देखो बादलवाई हो रखी है। तो प्रदीप गया स्कूल, तो वो कह के गए हैं कि मेरे को आलू के परांठे बना के देना, क्योंकि आज ठंड भी है, बादलवाई भी हो रखी है। और बाद ऐसी ऐसी ठंड में आलू के परांठे, कोई भी प्रकार के परांठे हो, खाना बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसलिए मैं आज बना रही हूँ आलू के परांठे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलो बनाते हैं, किस प्रकार से बनाती हूँ आलू के परांठे। आलू के परांठे बनाने के लिए मैं 500 ग्राम आटा लिया गेहूँ का, और इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। और थोड़ी सी मैं पीसी हुई अजवाइन डाल रही हूँ। दो चम्मच डाल रही हूँ घी। इनको भी आटे के साथ ही मिक्स कर लेते हैं। आटा थोड़ा सॉफ्ट गूंदना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा कौंला ही रखना है आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेते हैं आटे को। आटा मैंने गूंद के तैयार कर लिया है। इस पर थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, ऊपर से आटे की चिकनाई आ जाए, तो बाद में परांठा अच्छा बनता है। आटे को गूंदने के बाद में एक बार इनको ढक के छोड़ देते हैं, मसाला तैयार कर लेते हैं। परांठे बनाने के लिए मैंने 4 आलू लिए हैं, उनको पहले छील लेती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला ये छिलका थोड़ा कड़ा होता है। आलू मैंने सारे बोल लिए हैं, इनको धो लेती हूँ पानी से। अब इन आलू को सारों का कद्दूकस कर लेते हैं। परांठे बनाने के लिए मैं
पहले आलू को भून लेती हूँ। आलू भूनने के लिए मैंने 2 मिनट के लिए घी लिए हैं। अब इसमें ये आलू डाल देती हूँ क्योंकि एकदम सरस आलू थे तो इसमें पानी है। ये देखो, आलू को पकाते हुए 5-7 मिनट हो गए। ये देखो, आलू एकदम पक गए और पानी भी इनका सारा सूख गया। गैस को कर देते हैं बंद। तो सारा तैयार कर, अब मैं आलू वाले मसाले को एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये हरी मिर्च और अदरक कूटा हुआ पेस्ट इनके साथ में मिला लेती हूँ। एक मैंने छोटे छोटे प्याज काट के लिए, इनको भी इनके साथ में मिला देती हूँ। और थोड़ा सा लिया मैंने हरा धनिया। पूरे मसाले को मिक्स कर देती हूँ। अभी इसमें मिला देती हूँ सूखा मसाला। 2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी। नमक अपने स्वाद के अनुसार ले, मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ नमक। 1 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। इनको इनके साथ ही मिला देते हैं। मसाले को सारे को मिला के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब चढ़ा देती हूँ तवा। तवे को भी एक बार गूंद लेते हैं वापस। रोटी का आटा लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है। रोटी बटने के लिए तो थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लिया है। लोइया बना के रोटी बना लेती हूँ।
अभी ये मसाला बनाया हुआ है ये मिला लेती हूँ। आपको ऐसा लगे कि थोड़ा गीला है मसाला तो अब आप आटा मिला लें। मेरे तो आलू के भूनने के बाद में ज़्यादा गीला नहीं रहा। आगे आटा ज़्यादा रहा है इनको तोड़ लेते हैं। पराठे को बट लेते हैं। रोटी पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, हल्के हाथ से बटना है क्योंकि मसाला बाहर नहीं निकले। परांठा मैंने बट के तैयार कर लिया है, ये देखो परांठा बनाया। इतने में तवा भी गर्म हो गया। परांठों के लगाने के लिए थोड़ा घी गर्म कर लेती हूँ। सर्दियों का मौसम है तो घी एकदम ठसा हुआ है। परांठे को भी पलट देते हैं दूसरी साइड में। अब लगा देती हूँ इस पे घी। आप परांठा तेल से बना रहे हो तो थोड़ा कम लगाएं तेल, पर मैं तो घर का घी है गाय का। परांठे को उस साइड से भी पलट देती हूँ और यहाँ पे थोड़ा घी लगा देती हूँ। बीच बीच में इस परांठे को भी संभालते हुए रहना है। ये देखो परांठा सिक के एकदम तैयार हो गया। ये डाल देती हूँ दूसरा वाला परांठा। थोड़ा थोड़ा मुंह बड़ा है, मैं तेरे खातर मिर्च कमी नाखी। ये देखो आपको दिखाती हूँ अंदर मसाला। ये देखो कितना अच्छे से सारे परांठे मसाला आ गए। प्रदीप को तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखो मैंने परांठे बना के तैयार कर लिए हैं। देखो कितने सॉफ्ट बने हैं ये परांठे, ये देखो। और इनको आपको मैं तो एक परांठा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो पूरे परांठे में एकदम अच्छे से मसाला फैल गया है।
आप भी इसी प्रकार से एक बार परांठे बनाकर जरूर ट्राई करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। राम राम साथ, थैंक यू।